विद एनिमल्स। अब देखिए, अब एनिमल्स को जब बांटना शुरू किया तो उनको कुछ ना बेसिक टर्म्स के अकॉर्डिंग बांटा कि वो ये वो कैसी उनकी बॉडी सिमेट्री है, कैसी उनकी वो जर्म लेयर रखते हैं, कैसे उनके सेलोमेट्स हैं, क्या है उनका पूरा, ये तीन चार चीजों पे बांटा उनको। तो जो तीन चार पांच चीजें, पांच इंपॉर्टेंट चीजों पे बांटा, वो पांच चीजें हैं क्या वही देखेंगे हम। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, पांच टर्म्स पे उनको, पांच टर्म के अकॉर्डिंग उनको बांटा, तो पहली जो चीज है वो होती है बॉडी सिमेट्री। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी सिमेट्री? बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी एनिमल को अगर मैं तलवार लूं और खच से काट दूं, ऐसे सीधा किसी एक एक्सिस के अलोंग ऐसे काट दूं, और काटने पे दो बराबर जो हिस्सा इधर आया वो हिस्सा अगर इधर आए किसी एक एक्सिस के, तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री, है ना। अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो क्या बराबर आएंगे? नहीं आएंगे ना, सिर्फ ओनली एक ही एक्सिस के अलोंग क्या दे, इक्वल चीजें दें, तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री। दूसरा होता है रेडियल बॉडी सिमेट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल? मतलब कैसे भी काटो यार, हमेशा ही बराबर तरीके के फॉर्मेशन बॉडी के आए, जैसे कि यू नो स्टार फिश, तारा मछली, स्टार फिश को कैसे भी काटो यू विल गेट द इक्वल बॉडी पार्ट्स फ्रॉम ईच साइड। और तीसरा होता है आपका स्पेरिकल, वही होता है तारा मछली जैसे, आपके स्टार फिश जैसा ही होता है, ये भी सेम ही चीज है दोनों ही, है ना। इसके बाद चलते हैं जर्म लेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्म लेयर? जर्म लेयर का मतलब होता है, लेयर वर्ड से समझ रहे होंगे आप, इसको भी आप बेसिस मांग के आप डिवाइड करते हो, किसको आप डिवाइड करते हो, आपके प्लांट एनिमल्स को। तो कैसे आप इनको बेसिस मान सकते हो, क्या होता क्या है जर्म लेयर? देखो यार, आपकी बॉडी देखिए, सबसे पहले स्किन से ढकी है, उसके अंदर फिर मसल्स हैं, उसके अंदर फिर ऑर्गन्स हैं, तो कितनी लेयर हो गई? तीन लेयर हो गई बेसिकली। तो इनको ही बोलते जर्म लेयर, आपकी बॉडी की लेयरिंग, उनको ही बोलते जर्म लेयर। तो देर आर टू टाइप ऑफ लेयर्स, जर्म लेयर्स, एक है डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लोब्लास्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिप्लोब्लास्ट? देखिए यार, डिप्लोब्लास्ट का मतलब होता है डाई, डाई मतलब दो, ऐसी बॉडी जिसके अंदर दो लेयर हो, दो लेयर हो, ओके। जैसे आपकी बॉडी की पहली लेयर होती है ना किसी की बॉडी की, उसको बोला क्या जाता है? उसको बोला जाता है एक्टोडर्म। क्या बोला जाता है? एक्टोडर्म। और उसके बाद की जो लेयर होती है उसको बोला जाता है क्या? मेसोडर्म, ओके, मेसोडर्म। और लास्ट की जो लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। और बीच में होती है खाली जगह, ठीक है। इस तरीके से लेयर होती है। अब जिसमें सिर्फ दो ही लेयर हो, बाहर की और बिल्कुल अंदर की, और बीच की लेयर हो नॉन लिविंग लेयर, या फिर फेक लेयर बोलते हैं इसको, वो बोली जाती है डिप्लोब्लास्टिक, है ना। और दूसरी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब जिसकी बॉडी के अंदर तीन लेयर हो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और लेयर का नाम मैंने बताया एंडो, मेजो और एक्टो, ये होती है आपकी लेयरिंग बॉडी की। उसके बाद आता है जो तीसरी टर्म जो हम लेंगे, वो उसको बोला जाता है सेलोम। इसको सेलोम क्या होता है? सेलोम जो मैंने आपको अभी बताया, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये इन सबके बीच में जो मैंने बताया ना खाली जगह, इसको बोलते हैं कैविटी, या फिर इसको दूसरे नाम से बोला जाता है सेलोम। अगर ये खाली जगह है किसी बॉडी के अंदर तो उसको बोला जाएगा सेलोमेट, अगर खाली जगह नहीं है तो बोला जाएगा एसेलोमेट। क्या बोला जाएगा? नहीं है तो खाली जगह, या कैविटी नहीं है तो खाली जगह, कैविटी बात एक ही है, एसेलोमेट। जब नहीं हो तो एसेलोमेट, ओके, और हो तो सेलोमेट, और हो लेकिन नकली हो, नकली मतलब खोखली हो, मतलब कोई काम की ना हो, उसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं फंक्शन कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं सूडो सेलोमेट। सूडो मतलब फेक, सेलोमेट मतलब कैविटी, समझ आ गया। और जो चौथी चीज और मानेंगे वो हो गया आपकी सेगमेंटेशन। देखिए, सेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी एक बॉडी के ऊपर छोटे 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 पार्ट्स का होना। ऐसे देखे होंगे आपने कहाँ पे, अर्थवर्म के ऊपर देखे होंगे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स, अगर हैं तो सेगमेंटेड, नहीं है तो नॉन सेगमेंटेड। इसको भी बेसिक मान, बेसिस मान पे मान के हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद और किस चीज़ को बेसिक मानने, बेसिस मानेंगे हम डिवाइड करने के लिए, मानेंगे स्केलेटन को। स्केलेटन मतलब आपका कंकाल तंत्र, ठीक है। स्केलेटन दो तरीके के हो सकता है बॉस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, या तो एक्सो स्केलेटन या एंडो स्केलेटन। अगर एक्सो है इसका मतलब है आपकी बॉडी के बाहर की कवरिंग हार्ड है, जैसे आपने स्नेल देखी होगी, जैसे शंख देखा है, शंख मंदिरों में रखा होता है, उस शंख के अंदर एक जानवर रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, और वो जानवर अपने ऊपर इसको एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सो मतलब बाहर का, एंडो मतलब अंदर का,
अंदर का स्केलेटन किसके अंदर होता है, हमारे अंदर भी होता है, हाथी के अंदर भी होता है, ठीक है, जितने भी मैक्सिमम जानवर हम चारों तरफ देखें कुत्ते के अंदर भी होता है। तो एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर, अपने बाहर एक कवर रखना। अब चलते हैं बांटने पे, तो स्टार्ट करते हैं एनिमल्स से। एनिमल्स भी सबसे पहले वही बात आ गई कि टीवी वाली ब्लैक एंड वाइट है ना, तो सबसे पहले आपका ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, फिर वो कलर टीवी बना, फिर वो छोटा हुआ, पतला हुआ, फिर एलईडी, फिर एलसीडी, फिर उसके बाद में कर्व टीवी, स्मार्ट टीवी, ये क्या हुआ, इवोल्यूशन। इसी तरीके से एनिमल्स भी अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहले टाइप का जो एनिमल आया होगा ना, उनको एक कैटेगरी में रखा गया जिसका नाम दिया गया क्या, पोरीफेरा। क्या नाम दिया गया, पोरीफेरा। अब पोरीफेरा का मतलब क्या था, पोरी मतलब छेद, पोर्स, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर छोटे 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 छेद होते हो, और ये सेलुलर लेवल होता है। ऐसा तो था ही नहीं कि अचानक से एक बड़ा सा आदमी आके खड़ा हो गया होगा अर्थ पे। सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म आया होगा, उसके बाद में बॉडी के ऊपर पोर्स होंगे, छोटे छोटे होल्स होंगे, और होल्स जो थे ना बॉडी के ऊपर पोरीफेरा के अंदर, उसमें जो बॉडी को पानी और खाना चाहिए था ना, वो सर्कुलेट होते थे, ओके। और स्केलेटन कैसा होता था इनका, स्केलेटन होता था एक्सोस्केलेटन, मतलब बॉडी के बाहर की तरफ एक सुरक्षा कवच होता था। एग्जांपल अगर लूँ तो साइकोन लुक लाइक दिस, ऐसा दिखता था साइकोन। इसके ऊपर छोटे 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 पोर्स होते थे, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, वाटर एंड फूड को ले जाने का काम करते हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसलिए इसको पोरीफेरा बोलते हैं बॉस। और दूसरा एग्जांपल स्पॉन्जिला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्जिला, ऐसा दिखता है, इसके ऊपर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अच्छा, एक खास बात और होती है इसकी, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, मैंने 5-5 बातें सबकी लिखी हैं, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, आपको एग्जाम में 5 ही लिखनी होती हैं, कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मूव नहीं कर सकते तो क्या होता है भाई, ये एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर ही मिलते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग बेस से चिपके होते हैं ये, ठीक है, एक सॉलिड सरफेस से चिपके होते हैं। अच्छा, पोरीफेरा के बाद में डेवलपमेंट हुआ, और फिर आया आपका कोलेंट्रेटा। कोलेंट्रेटा का क्या काम था, कोलेंट्रेटा डेवलप हो गया तो ये सेलुलर लेवल से टिश्यू लेवल में कन्वर्ट हो गया। अब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया बॉडी के अंदर, और ये अब हम स्टार्ट करेंगे वही एसेलोमेट, मतलब कि इसके अंदर कैविटी नहीं होगी, सिमेट्री रेडियल होगी, डिप्लोब्लास्ट होगा, ये दो लेयर होंगी, और ये मूव कर सकते होंगे, ये नहीं कर सकते मूव, ये कर सकते हैं मूव। एग्जाम्पल हाइड्रा लुक लाइक दिस, जेलीफिश लुक लाइक दिस, आपने देखी होगी डिस्कवरी वगैरह चैनल पे, ऐसी दिखती है जेलीफिश, है ना। उसके बाद में और डेवलपमेंट हुआ, कोलेंट्रेटा से आगे हम प्लेटे हेलमेंथिस पे। प्लेटे हेलमेंथिस का दूसरा नाम होता है, प्लेटे मतलब चिपका हुआ, फ्लैट, हेलमेंथिस मतलब वॉर्म। जितने भी हम चारों तरफ फ्लैट वॉर्म्स देखते हैं, चिपके हुए वॉर्म्स देखते हैं, वो सारे प्लेटे हेलमेंथिस में आते हैं। दूसरा नाम फ्लैट वॉर्म होता है। ये कैसे होते हैं, एसेलोमेट होते हैं, मतलब सेल इनके अंदर भी कैविटी नहीं होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है बॉस। और ये पैरासाइट्स होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग पैरासाइट, ये दूसरे की बॉडी के अंदर रह के अपना खाना बनाते हैं। वन ओपनिंग फॉर ईट एंड एक्सक्रीशन, इनके अंदर एक ही ओपनिंग होती है, जहाँ से खाते हैं वहीं से निकालते हैं, है ना, समझ गए। और एग्जाम्पल लूँ तो प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया कुछ ऐसा दिखता है, प्लेनेरिया लुक लाइक दिस, और लिवर फ्लूक ऐसा होता है, ऐसा, ये क्या होता है लिवर फ्लूक। अगर कोई भी आदमी फिश खाता है तो फिश के अंदर ये छोटा सा होता है, लेकिन जब हम खाते हैं तो ये जिंदा रहता है। अगर ये मरा नहीं तो हमारे लिवर मतलब बाइल डक्ट में जाके लिवर में चला जाता है, वहाँ पे ये हमारी बॉडी से फूड लेता है, क्योंकि ये पैरासाइट्स होते हैं, हमारी बॉडी से फूड लेके खाना खाते हैं। तो दिस इज द पैरा प्लेटे हेलमेंथिस। इसके बाद होता है नेमटॉड्स, है ना, और डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होके आ गया नेमटॉड्स। इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनकी क्या खास बातें होती हैं, इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनकी खास बातें होती हैं कि ये सूडो सेलोमेट्स होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूडो सेलोमेट, मैंने बताया सूडो मतलब नकली, सेलोमेट्स मतलब कैविटी तो होती है लेकिन कोई ऑर्गन्स नहीं होता उनके अंदर, सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए होती है, कोई काम की नहीं होती वो। और ब्लास्टिक मतलब ट्रिपलो ब्लास्टिक, कितनी लेयर, 3 लेयर होती हैं। और सिमेट्री कैसी, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल मैंने आपको बताया कि बराबर 2 पार्ट में एक एक्सिस के अलोंग कटते हैं। और कैसे होते हैं, ये पैरासिटिक वॉर्म होते हैं, ये भी पैरासाइट्स थे, ये भी पैरासाइट्स वॉर्म थे, मतलब दूसरे की बॉडी में रह के खाने को खाना, खुद नहीं बनाना, आलसी लोग,
उसके बाद में यहाँ से मेल और फीमेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन आना स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल अगर लूँ मैं इसके, तो हुक वॉर और पिन वॉर्म ऐसा दिखता है, हुक वॉर और पिन वॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। दीज आर द एग्जाम्पल, याद रखना आपको। अब इसके बाद में नेमाटोड्स के बाद में आता है एनेलिडा। एनेलिडा देखिए, एनेलिडा इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। एनेलिडा को मतलब फाइलम, मैं समझाता हूँ क्या होता है। जैसे अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, एनिमल वाले, तो सबसे ज्यादा जो है उनके सेकंड नंबर पे आते हैं ये। सेलोमेट प्रेजेंट होता है, मतलब कैविटी होती है बॉस। बायलेटरल होते हैं, बराबर दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन लेयर होती है। ये तीन चीजें तो आपको सब में याद ही रखनी है, इनसे आप करके आ जाओ गेम चेंज। और ये सेगमेंटेड होते हैं, अभी तक नहीं थे, अब आ गए सेगमेंटेशन इनके अंदर, मतलब कि छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं इनके अंदर, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इनका एग्जाम्पल होता है अर्थ वोम, ये रहा अर्थ वोम, देखा होगा, नहीं देखा तो देख लो। और लीच आपका ऐसा होता है। इसके बाद में चलते हैं हम, और डेवलपमेंट हुआ और आ गया आपका अर्थोपोडा। क्या आ गया? अर्थोपोडा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थोपोडा? अर्थोपोडा का मतलब होता है जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, चारों तरफ हम कीड़े मकोड़े जो देखते हैं वो अर्थोपोडा के अंदर आते हैं। अब कौन सा कीड़ा और कौन सा मकोड़ा, देखो जितने भी कीड़े मकोड़े हम चारों तरफ देखते हैं, जैसे कि प्रॉन, स्कॉर्पियो, जिनके पैर होते हैं, पैर वाले कीड़े मकोड़े हैं ना, चींटा, चींटी, सारे वो अर्थोपोडा के अंदर आते हैं। और ये सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, याद रखना है, सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाने वाले अर्थोपोडास होते हैं। जॉइंट लेग्स होते हैं, यहाँ पे लेग आना स्टार्ट हो जाते हैं बॉस। अभी तक लेग नहीं थे, अभी तक पैर ही नहीं थे, बस ऐसे ही चल रहे थे। और ये लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला। ये सेलोमेट, इसके अंदर भी यू नो कैविटीज आना स्टार्ट, बायलेटरल, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है एक एक्सिस के अलोंग। और बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन लेयर होती हैं। और टफ एक्सोस्केलेटन, वेरी नाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट। टफ एक्सोस्केलेटन का मतलब इसके ऊपर का जो स्केलेटन होता है वो टफ होता है, और ऊपर रहता है स्केलेटन, अंदर नहीं रहता है, ऊपर रहता है। एग्जाम्पल प्रॉन और स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मतलब वो देखा है बिच्छू, अच्छा बिच्छू मूवी देखी है ना, उसमें जो बिच्छू होता है वो, और प्रॉन आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो देख लो यार, मैंने फोटो लगाई है तुम्हारे लिए। उसके बाद में आता है मोल्यूस्का, इससे डेवलप। उसके अंदर क्या होता है, अभी पैर आए थे, यहाँ पे भी पैर आ जाएंगे, देखो ये पैर। ऑक्टोपस देखें, ऑक्टोपस वो सारे मोल्यूस्का के अंदर आते हैं। सेलोमेट होता है, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, बायलेटरल होते हैं। अच्छा कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है यहाँ पे, इनके ऊपर शेल आ जाती है, मतलब शेल्स प्रेजेंट होती है, मतलब बोल सकते हो ऊपर की एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। नॉट सेगमेंटेड, ये सेगमेंटेड नहीं होते हैं, ये भी नहीं होते सेगमेंटेड। तो सॉफ्ट बॉडी होती है इनके अंदर की, जो प्रॉपर बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है। एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो ऑक्टोपस और पीला इज अ एग्जाम्पल ऑफ द मोल्यूस्का। उसके बाद आता है एकिनोडर्मिटा। एकिनोडर्मिटा स्पाइन स्कीन, मतलब कांटे चुभेंगे, अगर आप उनको पकड़ोगे तो आपको कांटा लगेगा, है ना, कांटा लगा। स्पाइन स्कीन होती है इनकी, और सेलोमेट्स होते हैं ये। सेलोमेट्स का मतलब मैं आपको बता दूं, वही कैविटी प्रेजेंट होना। ट्रिप्लोब्लास्ट तीन लेयर। एंडोस्केलेटन, एंडो मतलब अंदर, स्केलेटन मतलब कंकाल होना, अंदर की साइड बॉडी के अंदर। रेडियल सिमेट्री होती है इनकी, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, रेडियल सिमेट्री होती है। और एग्जाम्पल लू तो स्टारफिश, अगर स्टारफिश को आप पकड़ोगे ना तो आपको कांटा लगेगा। और सी फिश, सॉरी सी कुकम्बर, कुछ ऐसा दिखता है ये, देखिए कुछ ऐसा दिखता है ये, दिस लुक लाइक दिस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्डेटा। और डेवलप हो गया, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक रीढ़ की हड्डी नहीं आ रही थी, अब जो जानवर आए उनमें रीढ़ की हड्डी बैकबोन आने लगी। और बैकबोन को थोड़ा सा यू नो साइंटिफिक वर्ड में बोलते हैं कोर्डेटा। अब दो तरीके के कोर डेटा होते हैं, एक होता है प्रो कोर डेटा और एक होता है वर्टिब्रेटा। प्रो कोर डेटा में होता है नोटोकोड। नोटोकोड जहाँ पे भी बोलूंगा उसका मतलब तुरंत समझ आना, मैं रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा हूँ, बैकबोन की बात कर रहा हूँ। प्रोटोकोड्स जो होते हैं, प्रोटोकोड डेटा होता है वो नोटोकोड होता है सम स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब एक टाइम पे आके, मतलब बचपन से नहीं होता है, पैदा होते ही बच्चे के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है इनके अंदर, लेकिन एक स्टेज ऑफ लाइफ पे आके होने लग जाती है इसका एग्जाम। और ये मरीन में मिलते हैं, जमीन पे नहीं मिलते हैं बहुत से, रीढ़ की हड्डी से बांटा है बस इसको, रीढ़ की हड्डी अभी तक नहीं थी, अब रीढ़ की हड्डी आ गई तो कोर्डेटा बोल दिया। कोर्डेटा में भी रीढ़ की हड्डी, जो पानी में रहने वाले जो बुढ़े हो जाते हैं तब रीढ़ की हड्डी आती है, उनको बोलते हैं
हर्डेमेनिया, ठीक है, हर्डेमेनिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा। और वर्टिब्रेटा आपको पता है, वर्टिब्रेटा जितने भी कुत्ते बिल्ली हम लोग हैं जिनके अंदर इड़ी गड़ी बचपन से ही होती है बॉस, उनको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। हमारे जितने भी कुत्ते बिल्ली मछली वछली होती है इनके अंदर बचपन से होती है एक नोटोकॉर्ड, मतलब रीढ़ की हड्डी टाइप, जो कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है खड़े रहने में, चलने में, घूमने में, फिरने में। और ऐसे जो होते हैं ना वर्टिब्रेटा, इनका जो दिल होता है ना, दिल नहीं सॉरी लंग होता है, लंग हार्ट होता है बोल दो यार, वो किस तरीके का होता है, दो चैम्बर का भी हो सकता है, तीन चैम्बर का भी हो सकता है, चार चैम्बर का भी हो सकता है, ठीक है, ओके। और किडनी होती है किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। एग्जाम्पल लो तो ह्यूमन और फ्रॉग, ठीक है। अब चलते हैं आगे, वर्टिब्रेटा को समझेंगे डिटेल में। वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वो कितने तरीके के होते हैं। वर्टिब्रेट के अंदर के जो सब डिवीजन है वो कुछ इस तरीके से हैं, पीसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइला, ये एव्स और मैमल्स, ये सब वो हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी बचपन से होती है, ठीक है, याद रखना है वर्टिब्रेट्स। अब किन बेसिस पे इनको बांटेंगे, रेस्पायरेटरी ऑर्गन पे, नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर, ब्लड कोल्ड वॉर्म, और या फिर एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में क्या मिलता है, और भी मतलब अंडे देते हैं कि बच्चे देते हैं। अगर मैं तुम्हें फोटो से याद कराऊं तो ये याद हो गया, देखो एक झटके में। पीसेस मतलब फिशेस, फिश मछली, एम्फीबियन जो पानी में भी रहे और जमीन पे भी रहे, मेंढक, रेप्टाइल फ्रॉग जिसको बोलते हैं यार, और रेप्टाइल मतलब जो रेंग रेंग के चले, सांप, एव्स मतलब बर्ड्स पक्षी जो उड़ सकें, मैमल्स मैमिलिया जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो बच्चे पैदा करें, ओके। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो पीसेस होते हैं ना, जो फिशेज होते हैं, फिश पीसेस मतलब फिश, वो किससे सांस लेती हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेने और देने का काम उनके अंदर किससे होता है, गिल्स होती है उनके, गिल्स, गिल्स याद रखनी, गिल्स, कलर चेंज कर लिया जाए, वाइट कर लिया जाए, तो गिल्स होती है। और एम्फीबियन होते हैं, उनके अंदर दोनों चीजें होती हैं, गिल्स भी होती हैं और क्या होता है, लंग्स भी होती हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके अंदर लंग्स ही होते हैं, और एव्स मतलब बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर लंग्स होते हैं सांस लेने और छोड़ने के लिए, और मैमल्स होते हैं उनके अंदर, हमारे अंदर लंग्स ही तो है ना, गिल्स तो नहीं है किसी के अंदर, ठीक है, लंग्स होते हैं। नंबर ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं, देखो यार मछली के दो ही होते हैं, सो सैड, और एम्फीबियन के तीन होते हैं, रेप्टाइल के तीन होते हैं, लेकिन एक ऐसा रेप्टाइल होता है जिसके ना चार होते हैं, कौन होता है वो, क्रोकोडाइल, याद रखना है, एक ऐसा रेप्टाइल जिसके चार होते हैं, लिख लेना है यहाँ पे, एग्जाम्पल एक्सेप्शन है ये क्रोकोडाइल, जिसके चार चैम्बर होते हैं, ठीक है। और पक्षी मतलब एव्स मतलब बर्ड, इनके कितने चैम्बर, चार, हमारे तो चार होते ही हैं दिल के, वेंट्रिकल, दो लेफ्ट दो राइट एंड आरटीएम, ठीक है। ब्लड टाइप, वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, इनका कोल्ड ब्लड होता है, समझाऊंगा रुको, कोल्ड ब्लड और इनका भी कोल्ड ब्लड होता है, और इन शुरू के तीन का कोल्ड ब्लड होता है और इनका वार्म ब्लड होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वार्म ब्लड एंड कोल्ड ब्लड, चलो डिस्कस करते हैं डिटेल में। कोल्ड ब्लड का मतलब, कोल्ड ब्लड का मतलब है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो हमारे मतलब कि जिसका वार्म ब्लड है एव्स एंड मैमिलियास का, उनका बॉडी का टेम्परेचर, हम लोग, हम जो लोग हैं वो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर ना 27 डिग्री चाहिए, ठीक है, और वो हमारे ब्लड की वजह से हम मेंटेन कर पाते हैं, चाहे हम ठंड में चले जाएं कितने भी, लेकिन हमारा जो अंदर का टेम्परेचर होगा वो गर्म ही रहेगा, उतना ही रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। लेकिन ये जो है ना रेप्टाइल, एम्फीबियन और पीसेस, ये अगर ठंड में जाएंगे तो वो ठंडा हो जाएगा ब्लड, और गर्मी में जाएंगे तो गर्म हो जाएगा, इस तरीके से इनको कोल्ड और वार्म ब्लड बोला जाता है। हमारा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए जिंदा रहने के लिए, फंक्शन करने के लिए बॉडी। अच्छा, एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं, फिश के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो होता क्या है बताओ, फिश के अंदर होता है स्केल्स होती है ना, देखा होगा आपने ऐसी इस तरीके से बाहर निकली हुई, इस तरीके से स्केल्स होती हैं, तो एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में क्या मिलता है इनके बॉडी के ऊपर, स्केल्स। और एम्फीबियन में क्या मिलता है, वही स्केल्स मिलता है या फिर कुछ नहीं मिलता है, रेप्टाइल के ऊपर भी आपका स्केल्स ही मिलता है, ठीक है, लिख लूँ यहाँ पे,
और एव्स के ऊपर मतलब पक्षियों के ऊपर बर्ड्स के ऊपर क्या मिलता है एज अ एक्सोस्केलेटन, क्या मिलते हैं? पंख मिलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? फेदर बोलते हैं, पंख, ठीक है। मैमल्स हमारे ऊपर क्या मिलता है? हेयर मिलते हैं, बाल मिलते हैं हमारे बॉडी के एज अ एक्सोस्केलेटन। अच्छा, ओवीपोरस मतलब अंडे देने वाला, ओवम से याद रखना, वीवी मतलब बच्चे देने वाला। मछलियां बच्चे देती है कि अंडे देती हैं? अंडे देती हैं बॉस, ये भी अंडे देते हैं, ये भी अंडे देते हैं, ये भी अंडे देते हैं। इंसान क्या देते हैं? अंडे की बच्चे, वीवी अंडे, सॉरी इंसान देते हैं बच्चे, समझ आ गया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था, आपको बस इन बेसिस पे याद रखना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा होता है, नंबर ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट, ब्लड टाइप कैसा होता है, एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, वीवीपोरस ओवीपोरस। तो दिस वॉज द कम्प्लीट चैप्टर। अगर तुम्हें बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब प्लीज कर देना।